आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिर से आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी हो चुकी है दिन की शुरुआत और अभी बज रहे हैं 11 और मैं हूँ छत पर, और छत पर है अभी बड़ी शांति। तो मैं उसका कारण आपको बताती हूँ। ये देखो, ये अलग बैठा हुआ है राजा है, और ये फेरी यहाँ पे बैठी हुई है। हुआ क्या, आज जो लूसी है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो गई थी सुबह सुबह, आपको पता है चली जाती है, वापस आ गई। अभी मैंने कुंडा भी लगाया हुआ है, फिर से ना फेरी अटैक कर दे। तो देखना, ये रही लूसी। तो लूसी ये देखो, तीनों फेरी इकट्ठा हो गए, इधर आ गया राजा और इधर ये, मतलब तीनों ने, इन दोनों ने उसका मतलब जीना दुश्वार किया हुआ है। उनको ये लग रहा है कि वापस क्यों आई। और ये ना धूप में इन्हीं के साथ खेल रही थी, तो इन्होंने क्या किया, फेरिया ने आज जो किया है मैं आपको बता रहा हूँ, फेरिया ने ना उसको मतलब ऐसे झपट्टा मारा है कि यहाँ पे क्यों आई है, और वो डर के मारे वहाँ जाके बैठ गई है। तो फेरिया भी बदमाश होती जा रही है इनके रंग देख देख के, पहले वो बिल्कुल नहीं थी ऐसी। ये देखो कैसे घूर घूर के देख रही है उसे फेरी। चलो फेरी, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसको काट ना दे। आओ आओ, चलो आ जाओ आ जाओ, चलो 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 राजा चलो। और आने को अभी तैयार है नहीं, तो अभी तो फिलहाल यही चल रहा है। और पता है क्या, बड़ा ध्यान रखना पड़ जाता है ना आपस में, कब लड़ जाए इनका कुछ पता नहीं है, बहुत ज्यादा डर लग जाता है। तो अभी तो लड्डू की कमी है। ये आ गई, देख रहे इधर है, इधर क्या किया। और अभी भी ना बार बार उसी को देख रही है, जा रही है बार बार देख रही है। इधर सुनो, इधर इधर इधर, पहले बता ये क्यों किया, सबको बताओ, सब बोलेंगे ना गंदी बच्ची हूँ। देख लो कैसे मना रही है कि मैंने कुछ नहीं किया। पता है मेरे को क्या करके आई है, ऐसे नहीं करते बच्चा, ये शैतान हो गई भाई। राजा बदमाश हो गई है बहुत ज्यादा। ये आई थी ऊपर कि मैंने कहा चलो तीनों ऊपर खेल लेंगे, पर ये तो लड़ रहे हैं, अब इनको नीचे ले जाती हूँ एक आधे को। इतनी बुरी तरीके से डरा दिया बेचारी को, है ना बच्चा, सबको इनको पता नहीं है कि तू ही तो है मेरी सबसे लाडली। और ये ना सबसे पहली डॉग है जिसे मैंने प्यार करना सीखा था, मैंने आपके साथ स्टोरी भी शेयर करी थी, तो इससे भी मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तू सो जा बच्चे, आज है नहीं ना वो, तो उन्होंने जीना दुश्वार कर दिया उसका। बहुत ज्यादा सीधी है पता है, बहुत ज्यादा है मेरा बच्चा। चल सो जा। मैं आ गई हूँ किचन में और रख दिए हैं मैंने इसमें आलू, तो आज इसको उबाल लेती हूँ पहले, तो फिर देखूंगी इसकी सब्जी क्या बनाती हूँ मैं। बंद कर देते हैं, मेरे हाथ से बंद हो गया भाई। बंद हो गया, तब तक ये आलू उबलेगी तो थोड़ी सी सफाई करनी है बाहर। मैं चढ़ा के आ गई हूँ, और जो बगल में प्लॉट है ना, तो थोड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, तो आज इसकी फटाफट से सफाई कर देती हूँ। बहुत ज्यादा ना गंदा हो जाता है, पता नहीं। माचिस लाए आप? मैं भी लेके आई। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हाथ से ही होगा ये, तो हाथ से चुक दो। वही तो, हाथ से ही होगा, ये पन्नी पुन्नी नहीं हो जाती, पता नहीं कहाँ से आती है, हवा में आती है वो ये सब उड़ के। बड़े बड़े काम करते हैं मेरे हस्बैंड, और छोटे मोटे कर लेती हूँ मैं। प्लॉट की सफाई तो हो चुकी है, बिल्कुल चकाचक क्लीन हो गया है। और जहां से, जहां मैं बैठी हूँ ना, वहां से आपको सीन दिखाती हूँ कितना प्यारा दिख रहा है। देखिए सामने का व्यू, सामने जंगल है, और इतना अच्छा लगता है ना मुझे यहाँ पर। और ये प्लॉट भी क्लीन हो गया, तो धूप में आके यहाँ भी बैठ सकते हैं, घर के बिल्कुल जस्ट बगल में है, है ना, अच्छा लग रहा ना। यहाँ से जब मकान बन जाएंगे तब नहीं अच्छा लगेगा, खुले में तो अच्छा लगता ही है। वही तो, थोड़ा ठंडा सा है ना अभी, वही हल्की हल्की धूप, हल्का हल्की ठंडी हवा। बड़ा प्यारा मौसम है यहाँ का, धूप और हवा दोनों चल रही है, तो काफी अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं थोड़ा सा खेत में, और मैं एक बार ना जा रही हूँ अंदर, मैं देख के आती हूँ, रख के आई थी मैं आलू, आ रही हूँ अभी 5 मिनट में। तो जाती हूँ पहले, वो बंद करके आ जाती हूँ। आलू में सीटी आ चुकी है, अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है,
इसको कर देते हैं बंद और चलते हैं पीछे क्यारी में। देखिए प्याज जो हमने लगाए थे उसमें अच्छे से पानी दिया था तो इसके बाद वो अच्छी तरीके से खड़े हो गए, लेकिन उसके बीच बीच में घास भी होने लगा है जिसे निकालना समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम यही काम करने वाले हैं जितना भी होगा। घास इतना हो जाता है ना इसमें तो इसको निकाल देते हैं, आज यही करना है हमें। उधर से फेरिया चिल्लाने लगी है क्या हो गया थोड़ी देर तो बैठ जा। तो लहसुन का घास तो हमने निकाल लिया और उसके बाद थोड़ी देर बैठी हूँ पेड़ों की छाया में। देखिए कितना, ये वही वाला पेड़ है जिसमें तोते रहते हैं जो उस दिन दूर से दिखाया था ना, ना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गुनगुनी धूप लग रही है। तो अभी अभी फेरिया के एक और फ्रेंड आ गई है, ये है, इसका नाम है चल्लो, है ना बच्चा। दांत को क्या हुआ, आपके दांत को क्या हुआ, छोड़ रखे। आप टॉफी खाते हो, ज्यादा खाते हो दीदी। फिर अब तो प्यार से क्या बुलाती है मेरे को, ताई जी। गांव के जितने भी बच्चे हैं ना यहाँ पर वो मुझे ताई जी ही बोलते हैं, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ के बच्चे मुझे ताई जी बोलते हैं, बड़े प्यार करते हैं, है ना। प्यार करती है मेरे को, देख लो इधर। और कहाँ से आ रही तू, आंगनवाड़ी। ये आंगनवाड़ी गए थे ना पढ़ने के लिए, वहाँ से आ रही है। दूसरा राजा चिल्ला रहा, ये रानी। ये रानी है, इसका नाम तो फेरी है। राजा से डर लगता है, राजा तो काटता है ना। हाँ जेरी ने यहाँ काट दिया था। कब काटा था, कब? इनके यहाँ भी है ना टॉम एंड जेरी, तो उसको लिए बता रही है कि कहाँ काटा था। मैं भी ऐसी वीडियो बनाती हूँ। ऐसी वीडियो बनाती हो, आप बोलो हमारी ताई जी की वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। हमारी ताई जी की वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। अल्ले वाह, इतने प्यार से बोला इसने तो, है ना। इसकी बात तो मान ही लेना ना जो पहली बार देख रहे है ना। चल वेट कर रही हूँ तेरी मम्मी आंगनबाड़ी से आई नहीं, नहीं काम में जाती। मम्मी काम में गई है, चलो कोई बात नहीं, कर ले तू प्यार तसल्ली पूरी। मेरे को क्यों कर रही है फिर कंफ्यूज होगी, मेरे को करे कि इसको करे। स्कूल में सही क्या, आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी आनीबाड़ी बेटा तू आनीबाड़ी में आनीबाड़ी में आंगनबाड़ी में यहां सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है, क्या क्या मिलता है? खाना, प्रसाद। आप आंगनबाड़ी से आके यहाँ आऊंगी, ठीक है, कल भी यही बैठे रहूंगी, ठीक है। अच्छा लग रहा आपको? ये मेरे से कह रही है आप यही बैठे रहना, जब मैं आंगनबाड़ी से आऊंगी फिर मिलने आऊंगी। तो बाकी काम तो हमारे सारे हो चुके हैं यहाँ के, और ये देखिए मेथी कितने अच्छे तरीके से हो रही है। तो ये मेथी मैं लेके जाने वाली हूँ, फ्रेश ताजी ताजी मेथी, तो इसको काट लेती हूँ मैं फटाफट से। तो वैसे जैसे हाथ से भी निकाल लेते हैं लेकिन कैंची से काटी हुई मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसकी आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ अलग तरीके से, तो निकाल लेती हूँ फटाफट से। तो देखिए शुद्ध ताजी मेथी मैंने इतनी ले ली है, अभी देखिए जितनी काटो ना उतनी बढ़ जाती है। तो अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी, और जो मेथी लाई थी उसको देखिए मैंने बारीक बारीक काट लिया, अच्छी तरीके से धुल लिया है। और ये है उबले आलू, तो मैं आज दही आलू मेथी की सब्जी बनाने वाली हूँ जो कि मुझे काफी टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो सब जगह बनती है लेकिन सबका तरीका अलग होता है। कोशिश करें सरसों के तेल में बनाए, और हमारा सरसों का तेल खत्म हो गया तो रिफाइंड में बना रही हूँ। तो और इसमें देखिए तेल अच्छी तरीके से गर्म करना है, और इसके बाद में डालूंगी इसमें जीरा, और जीरा जब अच्छे से कड़कने लगेगा फिर इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी मेथी, इसी टाइम पर मेथी नहीं हींग, ये देखिए चुटकी भर हींग डालनी है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे सूखी मिर्च। तो देखिए ये है सूखी मिर्च, और इसको भी हम डाल देते हैं इस टाइम पर। और इसी टाइम पर देखिए इसमें टमाटर तो पड़ता नहीं है जो दही वाले आलू बनते हैं, उसमें है लहसुन, ये देखिए, और हरी मिर्च। ये मैंने 10-12 कली लहसुन के लिए, काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है, और इसको अच्छी तरीके से चला देते हैं। और थोड़ा हमें
लहसुन अच्छे तरीके से हो जाए, आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं। तो इसको भून लेती हूँ मैं, तो थोड़ा लहसुन हमारा हल्का कलर आ गया है, अब इसके बाद डालूंगी इसमें। एक बड़ा प्याज दिया है मैंने, हल्का बारीक काटा है, और इसको पकने देते हैं अच्छे तरीके से। तो हमारा प्याज लहसुन देखिए अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं करूंगी मैं। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी पता है क्या मसाले, इसमें सबसे पहले डालूंगी मैं मिर्ची, क्योंकि हम मिर्ची तेजी खाते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, और इसके बाद हल्का सा गरम मसाला, और आप चाहें तो धनिया पाउडर डाल सकते हैं। इसके बाद नमक, नमक ध्यान से डालें, तो मैं अभी डाल रही हूं, और इसको अच्छी तरीके से हम मिला देंगे। और इसके बाद ना ये जो मैं मेथी लाई थी, तो कई लोग डालते हैं कई नहीं, लेकिन मुझे सीजनल सब्जियां, मैं चाहती हूँ कि हर चीज में डल जाए, तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। तो थोड़ी सी मेथी डालनी है, बाकी मैं पराठे के लिए रखूंगी, ताकि इसका मेथी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ज्यादा डालेंगे तो थोड़ा कड़वा कड़वा हो जाएगा। तो देखिए इतनी डाली है मैंने, ये देखिए गैस को कर दिया धीमा, और इसे भूनना है अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छी तरीके से भूनना है इसे, और इसी टाइम पर मैं डालूंगी आलू जो बॉईल कर रहे थे, और इसको भी भूनेंगे। ये देखिए ये सब्जी तो मुझे ऐसी अच्छी लग रही है खाने में, पराठे के साथ ऐसी भी अच्छी लगेगी, थोड़ा सा और पका लो। तो भून गया, इसके बाद हमें डालना है इसमें दही। ये देखिए दही सिर्फ इतना ही लिया मैंने, थोड़ा सा पानी मिला है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं। ये देखिए तो इसको अच्छी तरीके से चला चला के इसमें भूनेंगे थोड़े से दही में, ये देखिए। और फिर इसके बाद थोड़ा और ऐसे कर करके ये डाल दूंगी मैं, और इसके बाद इसे गाढ़े गाढ़े में ही थोड़ी देर चलाऊंगी मैं। बहुत ज्यादा टेस्टी सब्जी बनती है ये वाली, तो लगभग 5 मिनट ऐसी तरह चलाने के बाद ना फिर बता दो आपको करना क्या है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है सब्जी का, ये देखिए। और इसके बाद मैं इसमें मिला दूंगी थोड़ा सा पानी, फ्लेम को मैंने तेज कर दिया है, जितना आप पतला रखना चाहते हैं। तो देखिए ज्यादा नहीं मिलाया मैंने, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो पक रही है हमारी फेवरेट सब्जी, तो आज तो खाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके बाद मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियां। मैडम जी क्या बना रहे हो? मेथी आलू भी बना रही हूँ, इनकी रोटियां चुपट रही हूँ। मिठाई का नाम है मिठाई आलू। हाँ, तैयार, ये लो आपका खाना रेडी है। वाह धन्यवाद साहब, मजा आ गया भाई। फटाफट खा लो आप, फिर मैं राजा और फेरिया को भी खिलाऊंगी ना। ठीक, कैसा बना है पहले खा के बताओ, सच सच बताओ। मजा आया, हस्बैंड को खाना पसंद आ जाए ना, फिर इसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती है ना। इतने प्यार से बनाया आपके लिए। बाकी सबने तो खा लिया है, इन लोगों ने, मैं बची हूँ, फेरिया बची है, लड्डू बची है, और एक रोटी गाय की है और एक लड्डू की है। तो देख के आती हूँ मैं। लड्डू ले ले, लड्डू आ जा ले, जल्दी आ, ये ले, आ जा आ जा। गाय तो दिखी नहीं रही है, तो दिखी नहीं तो उसकी रोटी यहाँ रख देती हूँ, यहाँ से वो अपने आप खा लेती है, ऐसे करके रख देती हूँ ना, खा लेगी। तो मैं अपना खाना तो ले आई हूँ, लेकिन फेरी ने नहीं खाया है, राजा ने खा लिया है। तो लो चलो आओ लो, तो इसके लिए दही और रोटी, ये देखना इसके नखड़े, खा फटाफट, इसका मन नहीं है अभी, मैं खा लेती हूँ फिर फटाफट से। ले बच्चा ले, ये सब खा लेते हैं यही भूखी रह जाती है, ले चल ले फटाफट ले, अभी मन नहीं है उसका, बाद में दे दूंगी फिर। आप खा लो ना, उसके बाद खा लेगी। हाँ ठीक है मैं खाती हूँ। तो खाना पीना तो हमारा हो चुका है, इसके बाद मुझे जो अपना छत वाला है गार्डन है, इसमें ड्राई फ्लावर दिख गए हैं जो सूख गए हैं, तो उन्हें काटना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए जैसे ये डायंथस का हो रहा है, तो इसको मैं काटने वाली हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उन सबको मैं निकाल रही हूँ आज, ताकि
फिर से इसमें नए फ्लावर आ सके। तो जिस मैं उसमें निकाल देती हूँ, गुलाब में भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पिटूनिया के भी मैं साथ के साथ निकालती रहती हूँ। और गेंदा देखना दिन पर दिन भर जा रहा है, वेट करूँ कब भरेगा ये। और गुलाब में भी ऐसा ही हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये फ्लावर सूख चुके हैं, अब इनको निकालना ज़रूरी है। तो ये काम मैं कर लेती हूँ। ये देखो ये भी हो रहा है गुलाब वाला, और इस गुलाब में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए बस ये ग्रोथ ब्लाइंड ना हो, बस ये सोच रही हूँ मैं कली बनी भी मिले। कई बार ऐसा होता है ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन ब्लाइंड सूट निकल आती है, तो जब वो निकल आए ना तो उसको भी नीचे से कट कर देना चाहिए। फ्लावर तो थोड़े बहुत कट कर दिए हैं जो सूख रहे थे, और फिर या फिर से बैठ गई है मजे से। और इसके बाद ना मुझे लगाना है डहेलिया, मैं उस दिन लेके आई थी, तो वो वाले प्लांट आज मैं लगा लूंगी क्योंकि 2-3 दिन हो गए उन्हें रखे हुए। फेरी क्या कर ला बच्चा, ऐसी बैठती है भाई, कब्जा कर रखा है इसने आपके ऊपर है ना, तभी तो ये देख लो वो बेचारा वहाँ बैठा हुआ वो आता है ना, हाँ। उसकी वजह से बैठी नहीं, तो ये बैठना फेरी है। राजा बैठेगा यहाँ पे, राजा बैठेगा, हटो तुम, चलो हटो, राजा राजा बैठेगा, राजा बैठेगा वहाँ, आजा चल राजा, राजा चल वहाँ बैठ जा, राजा बैठ जाओ, उसे नहीं बैठने दे, देख रहे हो गुस्सा, देख रहे हो चरचरी हो गई, चरचरी बैठ रहा था, ये बैठ गई, वो चला गया बेचारा, बैठ जा चल बैठ जा, नहीं छेड़ रही मैं तेरे को बदमाश, भाई पूरा कब्जा करा हुआ इसने, धीरे धीरे खिसक रहा है इनकी तरफ, और ये देखना कैसे हमला करेगी उस पे अचानक से ही। राजा ओए मेरा बच्चा आजा 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 चल आजा आजा बैठ जा, ओहो फेरिया उधर गई भी नहीं तो इसको बता देती। ओए राजा ये डरा डरा बैठता है पागल, क्या खाता है बता, नींद आ रही उसे, सो जान दो, नींद आ रही तुझे, देखना लूसी आ गई है और फेरी को मुझे बांधना पड़ गया है, एक बार तो देखना कैसे कर रही है इसके साथ ये। फेरी लड़ना नहीं, वो देख वो पूंछ हिला रही है, ये गुस्से में है, एक बार ये चली गई थी और ये लेके आई हूं मैं डहेलिया वाले। ये देखिए बहुत बड़ा फूल खिलता है इसका, और पत्ते भी देखना कितने बड़े बड़े हैं इसके काफी, तो ये वैरायटी बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगी मुझे, तो इसको मुझे अभी लगाना है। लूसी की वजह से ना मैंने फेरिया को पकड़ा हुआ है कि इनकी लड़ाई ना हो जाए, तो इस वजह से आज लगाएंगे मेरे हस्बैंड, आज लूसी को पकड़ा हुआ है तो ये लगा रहे हैं, और लगा रही हूं मैं इसमें देखिए थोड़ा सा वर्मी कम्पोस्ट मिलाऊंगी शुरुआत में, और मिट्टी ये जो पुराने गमलों की है इन इसको निकाल के इसमें मिक्स कर देंगे, इसी में लगा लेंगे, इसके बाद जब थोड़ा सेटल हो जाएगा तब मैं फर्टिलाइजर इसमें ऐड करूंगी। तो फ्लावर तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, काफी बड़ा बड़ा है, हाँ सारा डाल देना इसमें, पूरा डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देना, हाँ और क्या, अब और का ऐसे करोगे बेलचा, बहुत बड़ा बेलचा है वो। और हमारी लड़ाकू देखना ये बैठी हुई है, यहाँ फंसाया हुआ है मैंने इसका, ये देखो पैरों में, ओए लड़ाकू लड़ाकू राजा कहाँ से नीचे, ये देख ये मेरा खरगोश, छोटा सा खरगोश है ये देख, खरगोश ये देखो छोटा सा खरगोश है, खरगोश है तू, हरकतें तो बिल्कुल इसकी खरगोश जैसी है, खरगोश थोड़ी सी भी मिट्टी मत निकालना क्योंकि ना वो काफी अच्छे से ग्रो हो गया है, पहले नीचे थोड़ी मिट्टी रखी, तो घास घास हटा दो हा? हटा दो नहीं तो फिर वो ये। हाँ हाँ घास तो है, वो डहेलिया तो नहीं उखाड़ दिया, नहीं नीचे के एक आध पत्ते तोड़ दो ये। हाँ ये मिट्टी में दबते हैं ना तो फंगस लग जाता है नीचे के, बस बस ज्यादा नहीं, बस बस बस, ताकि वो मिट्टी में फंगस ना लगे, सीधा है ना, हाँ बढ़िया, थोड़ी जगह भी खाली रखना ऊपर, हाँ थोड़ा और डालो भी, बस पानी देने में ना पेट फूल टूट जाएगा, ये बोल रहे होंगे इतना लेक्चर दे रही है तो इससे बढ़िया खुद लगा ले आके, क्यों ऐसे सोच रहे, क्या ऐसे नहीं सोच रहे, कितने अच्छे हो आप सच्ची सच्ची।
मक्खन। दोनों गमले तो लग गए और एक ये वाला काफी अच्छा लग रहा है लग के, है ना। आज पानी मांग रही हूँ जी। पानी अभी देती हूँ ना। हाँ वही तो, अभी तो धूप है। बहुत दिन से रखे हुए थे तो लगा नहीं पाए थे, तो टेंशन हो जाती है। और कई लोग बोलते हैं कि तुरंत नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही तरीके से लगा लेते हैं तो प्लांट हमेशा अच्छा ही रहता है। तो शाम हो चुकी है, लगभग बज चुके हैं 4 और पौधे तो उन्होंने लगा दिए थे, उसमें भी पानी देना था और इन सारे पौधों में भी पानी देना था, तो फटाफट से इनमें दे लेती हूँ सभी में आज पानी। ऐसे जाते हैं ना बिना पानी के। पानी तो मैंने सभी पौधों में दे दिया है। देखिए स्ट्रॉबेरी के पेड़ से पानी निकल रहा है, काफी अच्छे तरीके से दिया है। तो अभी बज चुके हैं 7:00 तो मैं जा रहा हूँ खाना पीना बनाने और ब्लॉग की एडिटिंग करूंगी। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप सबने इंजॉय किया होगा। इंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय 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 बाय।